तो फाइनली आज नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2A के लिए जो है एंड्रॉइड 15 का डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम बीटा 1 जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसको इस टाइम पे हम अपने नथिंग फोन 2A के अंदर यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या नए चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिले और किस तरीके से आप इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे चल के आपको काफी सारे नथिंग फोन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंड्रॉइड वर्जन 15 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सिक्योरिटी पैच जो है आपको इसके अंदर 5th of April 2024 और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट जो आपको 1st January 2024 का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर फोन की ईस्टर एग की हम बात करें, जैसे आप एंड्रॉइड वर्जन पे जाते हैं तो आप देखेंगे जो आपको लोगो जो है यहाँ पे एंड्रॉइड 14 का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये बीटा 1 स्टेज पे है और आपको सारे के सारे फीचर जो है बिल्कुल AOSP रोम जैसे यहाँ पे मिलते हैं। कोई ज्यादा आपको नथिंग फोन के फीचर्स आपको इस टाइम पे यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एज पर द नथिंग फोन 2A कम्युनिटी फोरम जहाँ पे उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं, उनके मुताबिक जो है कुछ नए चेंजेस, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्लिफ SDK की सपोर्ट है, एक वॉलपेपर आपको देखने को मिला है, नथिंग का बूट एनिमेशन और एंड्रॉइड 15 का टैग जो मैंने आपको दिखाया वही आपको देखने को मिलता है। तो वॉलपेपर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिला है। नीचे इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं यानी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो इस टाइम पे आपको फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक इसके अंदर वर्किंग नहीं है, नथिंग के कोई भी फीचर्स आपको इस फोन में नहीं देखने को मिलेंगे, चाहे ग्रिप कंट्रोल्स हो चाहे आपके नथिंग के विजेट्स यहाँ पे हो। तो ये देखिए सबसे पहले मैं जो आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में चलता हूँ और वॉलपेपर दिखाता हूँ कौन सा वॉलपेपर आपको देखने मिला है। सिर्फ आपको जो है ऑन डिवाइस में ये जो वॉलपेपर है यही आपको यहाँ पे नया प्रोवाइड किया गया है, बाकी जो है सारे के सारे आपको वही पुराने वॉलपेपर मिल जाते हैं। बाकी आप अपने मन मुताबिक जो है अपने वॉलपेपर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे हमने अपने फोन को यहाँ पे रिबूट किया है, जैसे कि हमने अपने चेंज लॉग में मेंशन किया था कि आपको एक नई बूट स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके की बूट स्क्रीन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आपको नथिंग का ही लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि आपको प्रीवियस बिल्ड पे भी देखने को मिलता है। अब आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके के आपको रेड डॉट्स जो है यहाँ पे स्लाइड होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की बूट एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 15 का देखने को मिला है। बाकी आपको एंड्रॉइड बीटा प्रोग्राम की यहाँ पे वार्निंग हर कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे इस वर्जन में देखने को मिलती है। लॉक स्क्रीन में कोई भी कस्टमाइजेशन अभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इवन जो है आपने देख ही चुके हैं आपको विजेट्स के अंदर भी जो है बिल्कुल जो AOSP बेस्ड जो विजेट्स होते हैं वही आपको देखने को मिले हैं। नथिंग का कोई भी विजेट जो अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इवन अगर आप देखें तो आपको जो है नथिंग के आइकन पैक्स भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वॉलपेपर एंड स्टाइल सेक्शन में जाएं तो आप इसके अंदर डार्क थीम या थीम्ड आइकन्स को ही यूज कर सकते हैं। अगर आप एक और चीज ध्यान से देखें तो टॉप पे जो आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको जो क्लॉक होती है वो अलाइन ठीक तरीके नहीं है, आउट ऑफ द फ्रेम आपको यहाँ पे वो देखने को मिले। तो काफी सारी चीजें जो है अभी यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये बीटा स्टेज पे है तो आज ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा कि आपको नथिंग के कुछ के अंदर फीचर्स देखने को मिले। एक तरीके से जो है ये पूरा जो है AOSP रोम जो है वो एंड्रॉइड 15 का उन्होंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। बट ये अच्छी बात है कि नथिंग फोन 2A के लिए एंड्रॉइड 15 का डेवलपर बीटा 1 प्रीव्यू जो है वो फाइनली नथिंग फोन 2A के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब कुछ और चीजें जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो कैमरा भी जो है आपको नॉर्मली आपको देखने मिलता है, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। सिर्फ आप पिक्चर्स को कैप्चर वगैरह करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एनिमेशन भी जो है इतने स्मूथ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत जो है जिटर या लैग वगैरह कभी कभार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में कोई भी आपको ग्रिप कंट्रोल के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। इवन डिस्प्ले में जाएं तो आपको इसके अंदर देख पाएंगे तो आपको लॉक स्क्रीन की भी कस्टमाइजेशन कोई ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। इवन आप देखें तो मैंने यहाँ पे AOD जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर रखी है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी जो है यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे नहीं है। तो काफी सारे बग्स अभी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए, वैसे टेस्ट करने का फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप इसको इंस्टॉल ना करें क्योंकि आपका सारा डाटा जो है इसमें से डिलीट हो जाता है। तो आपने देखा कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी जो है यहाँ पे अभी वर्किंग नहीं है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से उन्होंने बताया है किस तरीके से जो है आप एक फाइल को डाउनलोड करेंगे और फाइल मैनेजर के अंदर आप OTA का फोल्डर बनाएंगे और उसके बाद जो है अपने फोन को इसको अपडेट कर पाएंगे। तो ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की आपको एप्लीकेशन मिलती है, सारे के सारे गूगल की एप्लीकेशन मिलती है। एक लॉग टूल भी आपको यहाँ पे दिया गया है जिसके थ्रू कोई भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको परफॉर्मेंस में, डाटा में, सेलुलर में या वाईफाई वगैरह में, उन सबको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं और बग्स वगैरह को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बग्स को रिपोर्ट करना है तो आप इसको यूज करते हैं। एज ए डेली ड्राइवर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको एज ए डेली ड्राइवर अपने फोन के अंदर यूज करें। हाँ, आप कुछ और बिल्ड्स का वेट कर सकते हैं, मे बी उसके बाद जो है कुछ आपको फीचर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सारे के सारे ब्रोकन हैं इस टाइम पे और वॉलपेपर में भी आपको ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि आप लोगों को पता चल जाए कि नथिंग फोन 2A ने जो है इस टाइम पे ये एंड्रॉइड 15 का
डेवलपर प्रीव्यू बीटा 1 जो है रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उन्होंने वहां पे साफ साफ मेंशन किया है कि ये सिर्फ जो है नथिंग फोन 2 के 3 कलर्स जो हैं उन्हीं को देखने को मिला है, मिल्क, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपके पास ब्लू डिवाइस है जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है तो मैं बता नहीं सकता हूं कि उस पर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जो वहां मेंशन किया है वो 3 ही डिवाइस मेंशन किए हैं, मिल्क, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बस उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरह का अपडेट एंड्रॉइड 14 का नथिंग फोन 2 के लिए यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।